हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सावन शुरू हो गया है और बारिश भी शुरू हो गई है। सावन के पहले सोमवार में ये ना अच्छी बारिश हुई है यहाँ पर, और हम लोग आज रेडी हो गए। रेडी तो सुबह है ना मंदिर चले गए थे, जब ही हो गए थे बस नील पेंट लगाया था। तो कल संडे था तो मैं लेके आई थी अपनी चूड़ी येलो कलर की और ग्रीन कलर की, और उसी के मैचिंग मुझे अपना सूट मिल गया तो वो मैंने आज पहना था। और मेहंदी देखिए, मैंने मेहंदी लगाई थी, कलर बहुत ही अच्छा आया है, कलर काफ़ी अच्छा है। और मेहंदी भी मेहंदी के हाथ देख के खुद को ही है ना बहुत अच्छा लग रहा है। और आज दोपहर का टाइम है, दोपहर में इतनी अच्छी बारिश हुई है, सावन की शुरुआत ही आज बारिश से हुई। और अभी हमें बच्चों को लाना है, अब बारिश हो रही है और आज बारिश में कैसे निकलेंगे बस वो तो हमें ही पता है, छाता रख लिया। और मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं दोनों की है ना चप्पल रख रही हूँ, क्योंकि जब उधर से आएंगे तो चप्पल पहन के आएंगे, अगर बारिश में फिर शूज़ भीग गए तो फिर अगले दिन स्कूल जाना है तो सूख नहीं पाएंगे। आराध्या के तो जो शूज़ आज पहन के गई है वही कल को जाने हैं, अतर का तो चलो चल भी जाएगा, एक दिन का उसको है ना गैप मिल जाता है, एक दिन वाइट और एक दिन ब्लैक पहन के जाता है। लेकिन फिर भी इस टाइम में बारिश का कोई पता नहीं है, क्योंकि रोज़ है ना बूंदाबांदी होती रहेगी सावन में तो ज़्यादातर है ना, भले ही ना हो लेकिन ज़्यादातर बारिश होती है। तो अभी मैं अथर्व को लेके आऊँगी और देखिए बारिश में निकल गई थी मैं, कभी कम हो जाती है बारिश कभी ज़्यादा, लेकिन बंद नहीं हुई थी, अच्छी बारिश हुई है। और ये पानी इतना बह रहा था तो भीगते भीगते ही है ना स्कूल में गए थे, और मैं तो आराम से जा रही थी लेकिन स्कूल का गेट आज 5 मिनट पहले ही खुल गया था, पता नहीं था। तो और फिर बारिश में है ना सोच रही थी तेज़ हो गई, तो फिर भी अब छाता भी लेके जाओ फिर भी बारिश लगती तो है ही, और बच्चों को भी टाइम से लाना है, थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो मुझे अपने आप को ही बहुत अजीब सा लगता है कि हाँ बच्चे ने वेट किया है थोड़ी देर। तो इस तरह से हमारा सोमवार कंप्लीट हो गया था, रात का टाइम था, व्रत था आज मेरा। तो सोमवार के दिन है ना हम मीठे का ही व्रत रखते हैं, मतलब नमक का कुछ नहीं खाते। तो मैं बना रही थी चीनी के पराठे, और चीनी के पराठे तो वैसे भी हम लोगों को है ना बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोगों को क्या मुझे तो काफ़ी पसंद है। इसमें है ना चीनी मिलाओ और पराठे बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, और बिल्कुल बिस्किट जैसे टाइट टाइट से पराठे बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और दूध के साथ तो बिल्कुल लाजवाब होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल होता है इनको बनाना, जैसे रोटी का आटा होता है उसी तरह से, पहले शुरू की रोटी, दो रोटी गाय की निकाल दी थी और उसके बाद अपने पराठे बना लिए थे। थोड़ा धुआं तो हो जाता है, धुआं धुआं बहुत निकलता है जब चीनी के पराठे बनते हैं, वैसे पराठों में इतना नहीं लगता जितना इसमें निकलता है, लेकिन टेस्टी भी उतने ही लगते हैं। आराध्या को ले जाना है आज बर्गर, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ, आलू उबाल दिए थे, तो फिर जो पिट्ठी बचेगी उसके आलू के पराठे बना दूँगी जिसको खाने होंगे। तो अपनी टिक्की बना रही हूँ पहले बर्गर में रखने के लिए। अब आलू की चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, बच्चों का बड़ों को भी फेवरेट होती है सभी की, और कुछ एक्स्ट्रा ही बना दूँगी। वो बोल रही थी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना, फ्रेंड्स के साथ खाते हैं बच्चे, जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अच्छी बात है, शेयरिंग इज़ केयरिंग होता। तो टिक्की बना रही हूँ, छोटी छोटी टिक्की बना रही थी बर्गर के अंदर मैं इसमें फिल करने के लिए। और मेरे पास है ना आज ग्रीन चटनी देख रही थी तो पाउच भी नहीं रखा हुआ था, तो बस मैंने है ना ये टिक्की बनाकर सॉस के साथ ही बच्चों को दे दिया था, हाँ अंदर उसमें सॉस भर के, और प्याज वगैरह मैंने कुछ भी नहीं काटा था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिया था। आज उसका 2-3 दिन से बोल रही थी और बनते बनते कल जैसा फास्ट था तो अगले दिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बच्चों को मीठा वो भी व्रत रखती है आराध्या भी, और मीठे रखती है तो मीठा खा के है ना जब पूरा दिन व्रत रखो तो अगले दिन कुछ नमकीन खाने का मन करता है। मैंने कहा चलो आज अच्छा सा लंच तैयार करके देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने बर्गर बना लिए हैं, टिक्की भी मेरी बन गई है, तो ये लंच हो गया है। अब मैं बनाऊंगी देखती हूँ आलू के पराठे बाकी के लिए, अगर बर्गर खाएंगे, बर्गर तो वैसे नाश्ते में नहीं लेंगे, वह बच्चों का था, बच्चों को बना के दे दिया है।
और ये आलू है ना, इनकी पिट्ठी बहुत अच्छी बनती है, खिले खिले सी। बहुत से आलू अजीब से होते हैं ना, जिसमें पानी सा निकलता है, तो ये काफ़ी गांव से लेके आए थे हम, इकट्ठा ही ले आई थी, तो 15 दिन आराम से निकल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए टिक्की भी रख दी थी, बर्गर भी, वो 2 टिक्की एडवांस में लेके जा रही थी, टिक्की बोल रही थी कि टिक्की भी मुझे लेके जानी है, और बर्गर बना दिए हैं। जो आप बड़े बड़े पीस तो इसमें नहीं आते, तो छोटे छोटे पीस काट के इसमें रख दिए थे। और फिर देखिए अगले दिन हम लोग गाड़ी से गए थे, तो उस टाइम सुबह के टाइम भी बारिश हो रही थी। अच्छा है मौसम है ना, फिर भी इतना ठंडा नहीं होता जैसा बारिश होती है, उमस सी है ना फिर भी रहती है। अगर तेज़ बारिश हो जाए 2-3 दिन लगातार, तो शायद मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गर्मी ऐसी ही रहती है, बारिश बंद होते ही फिर गर्मी शुरू हो जाती है। लेकिन जब स्कूल के टाइम बारिश होती है ना, तब अजीब लगता है। वही है, आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है। आज तो चलो गाड़ी है, कल मंडे के दिन हम जब लेके आए थे ना, हमें बड़ी परेशानी हुई थी बारिश में, जब बच्चों को लेकर आए थे स्कूल से। सारा दिन बरस जाए, लेकिन स्कूल के टाइम पे जब सुबह को और दोपहर को बारिश होती है ना, तब अजीब लगता है। और यही था छोटी सी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को है ना फुल्ली वॉच करें, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। शाम का टाइम था, कुछ लेने आई थी मार्केट में, तो वही दिखा रही हूँ आपको। अगले ब्लॉग में फिर मिले।